हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की शेड्यूल हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके यूपीएससी के एग्जाम से। यूपीएससी के हम सीरीज कर रहे हैं, इसमें हम 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और हर एक क्वेश्चन को हम पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं, हर ऑप्शन के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो मतलब हर एक क्वेश्चन में हम यही काम करते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपका एक मोटिवेशनल थॉट है कि बोला है कि बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। तो इसका मतलब ये क्या है कि अगर आपके साथ पास्ट में कुछ हुआ हो तो आप उसके बारे में ज्यादा सोचते हो, ठीक है। जब उसके बारे में सोचते हो ना तो आपका क्या होता है, टाइम खराब होता है। तो इस टाइम को बचाने के चक्कर में आप सॉरी इस टाइम को खराब मतलब इस टाइम के लिए आप अपने पूरे आज का टाइम भी खराब कर रहे हो, ठीक है। तो उसको थोड़ा छोड़कर, जो पीछे आपके साथ जो हो गया है, आपसे कुछ हुआ या मतलब कुछ भी हो, तो उसको छोड़कर आज जो आप मेहनत कर रहे होगे ना, उस मतलब उसको सोचने के बजाय आज अगर आप मेहनत करोगे तो आप कुछ ना कुछ बन पाओगे, ठीक है। ताकि आप क्या करोगे, तुम्हारे हाथ में, इसलिए बोला गया तुम्हारे हाथ में क्योंकि मेहनत आपके हाथ में है। चाहे आप पीछे के बारे में सोचो चाहे मत सोचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका जो टाइम खराब होता है ना उस दिमाग बीते हुए कल की वजह से, तो वो आज का कल भी आज भी जा रहा है और फिर आने वाला कल भी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपने जो भी बात है वो हाथ में रखो ताकि अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है। तो ये इस लाइन का उद्देश्य था। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी सीएससी 2023 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप जाके वीडियोस देख सकते हो। तो 7 नंबर में क्या कह रहा है, बोला कि ऑल अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट मेटल रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरी फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल। तो कोबाल्ट के बारे में जिक्र गया है, तो कोबाल्ट कहाँ मिलता है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा मिलता है। तो अफ्रीका के ये 3 देश आपके अफ्रीका नहीं, ये तो एशिया का है, ये 2 देश आपके अफ्रीका, तो कोबाल्ट आपको कोंगो मिलेगा, ठीक है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखो, अर्जेंटीना अर्जेंटीना के साथ एक 2 देश और ले लेते हैं, बोलिविया और चिली। तो ये 3 देश जो है ना, ये 3 देश आपका लिथियम प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा है वर्ल्ड का, ठीक है। इन 3 देश से लिथियम बनाया जाता है और लिथियम जो आज के टाइम इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल है वो भी लिथियम से चलती है, और कोबाल्ट जहां से लिया जाता है कोंगो से लिया गया है। तो ये आपके जो लिथियम है, तो इसे हम इन 3 देशों को मिलाकर आप देखोगे तो हम क्या बोलते हैं, लिथियम ट्रायंगल भी बोलते हैं। और ये 3 देश आपके साउथ अमेरिका में है, ठीक है। साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका का देश है, ये भी अफ्रीका का देश है, और ये आपका एशिया का देश है, ठीक है। तो देखते हैं कौन किस तरह है इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ डिस्कस करते हैं पॉइंट्स। बोल दिया गया कोबाल्ट, कोबाल्ट देखते हैं, कोबाल्ट को आप सिंबल लगाते हैं CO, और एटॉमिक नंबर है 27, मास नंबर है 58 पॉइंट समथिंग। डिस्कवर बाय किया गया था, जॉर्ज ब्रांड ने डिस्कवर किया था इसको। आगे देखो कोबाल्ट क्या चीज है, एलिमेंट कोबाल्ट बिलोंग टू ग्रुप 8th ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो आप ऐसे चलोगे, देखो फर्स्ट पे सेकेंड पे, तो फर्स्ट तो ये है, बाकी के थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ, ठीक है, फिर नाइन्थ टेन, कुछ इस तरह से ये टेबल बनाई जाती है। तो इस टेबल में क्या होगा, इस लाइन में आपका होगा ये 8th है ना, तो इस लाइन में कहीं ना कहीं कोबाल्ट होगा जो कि 27 नंबर पर होगा। तो फर्स्ट लाइन में नहीं होगा, सेकंड लाइन में आपको ये कोबाल्ट दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ऑफ द पीरियडिक टेबल इट इज सिमिलर टू आयरन एंड निकल इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। जो भी आयरन और निकल की फिजिकल प्रॉपर्टी है वो उसके काम भी आएगा। याद रखना, अगर आयरन निकल है तो आयरन निकल के बारे में भी आपने पता लगाना है कि मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ठीक है। इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी कोबाल्ट इज फाउंड इन प्लांट्स एनिमल्स एयर वाटर सॉइल रॉक्स।
कोबाल्ट कहाँ कहाँ मिलता है? जो भी आपके लिविंग थिंग है ना, तो उसमें ज्यादातर मिलता है कोबाल्ट, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, एयर, वाटर। इट में आल्सो एंटर इनटू अनदर एनवायरनमेंट थ्रू विंड ब्लो डस्ट और बाय रेन वाटर वॉशिंग ड्रोन कोबाल्ट कंटेनिंग सॉयल एंड रॉक्स। कोबाल्ट मतलब कोबाल्ट जिस जगह है वो दूसरी जगह पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? जैसे जैसे कि आंधी तूफान आ गया, तो आंधी तूफान से क्या हो गया, धूल मिट्टी उड़ रही है, तो वो जिस जगह कोबाल्ट है, मान लो इस जगह कोबाल्ट है, तो ये कोबाल्ट उड़ के क्या आ जाएगा, दूसरी जगह आ जाएगा और यहाँ पर कोबाल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सेम बात है कही गई रेन वाटर से। मान लो किसी पहाड़ी पर कोबाल्ट है, तो बारिश आ गई, ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेन वाटर का काम करता है। तो ओके, बाकी इसने सोयल और रॉक्स का एग्जाम्पल भी दिया है, जो कि मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, यूजेज ऑफ कोबाल्ट क्या होते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे कोबाल्ट इज यूज इन मेनी अलॉय सुपर अलॉय टू मेक पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन। एयरक्राफ्ट इंजन बनाने का काम आता है, गैस टर्बाइन बनाने का काम आता है, जो कि आपके कहाँ यूज होता है, ये मिसाइल्स वगैरह होते हैं, हाई स्पीड स्टील्स बनाते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट अलॉय बनता है ताकि जंग ना लग सके, सीमेंटेड कारबीज बन सकते हैं, जैसे बड़े बड़े पिल्लर हो गए, जैसे अपने सड़कों पे ट्रक ट्रेन के लिए यूज होते हैं ना, तो वो वहां पर सीमेंटेड पिल्लर बना देते हैं जो कि कोबाल्ट से बनते हैं। यूज इन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडिया। जितने भी आप मीडिया का काम करते हो, कैमरा वगैरह, तो वहां पर मैग्नेट का यूज में कोबाल्ट पाया जाता है। आल्सो यूज एज कैटलिस्ट फॉर द पेट्रोलियम केमिकल इंडस्ट्री, या पेट्रोलियम और केमिकल इंडस्ट्री में पाया जाता है। ठीक है, यूज होता है। ड्राइंग एजेंट फॉर पेंट्स एंड इंक पेंट्स, जो भी आपके घर में सफेदी होती है, रंग होता है, और या फिर इंक जो भी हम पेन यूज करते हैं उसमें भी कोबाल्ट का यूज होता है। ब्लू इज मेजरली यूज बाय आर्टिस्ट एंड इज यूज बाय क्राफ्ट वर्कर इन पेरोकलिन स्टेंड ग्लास पॉटरी एनिमल ज्वेलर्स टाइल्स। पेरोक्लिन क्या होते हैं, बर्तन होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पर बनाए जाते हैं, जो कि डिजाइनदार होते हैं। ठीक, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स कोबाल्ट 60 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना पड़ेगा। किसके लिए होता है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए होता है, तो यहाँ पर लिखा गया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। रेडाइट फूड, जो भी आप खाना खाते हो पचने पचताने, तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है, मतलब गोली दवाई वगैरह जो भी दे जाते हैं आपको। यूज इन ऑर्डर टू प्रिजर्व ऑफ फूड एंड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, तो फूड को वहां से खत्म करता है और कंज्यूमर को बचाता है। ठीक है, तो ये कोबाल्ट का यूज होता है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोबाल्ट क्या है। प्रॉपर्टीज आप देखोगे, प्रॉपर्टीज क्या है, हार्ड फेरोमैग्नेट है, ठीक है, सिल्वर वाइट है, लेस्टर है, ब्राइटल है। ठीक, तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टेबल इन एयर, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, एयर और वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। अदर मेटल इट कैन आल्सो मैग्नेटाइज, ये क्या होता है, दूसरे मेटल की तरह मैग्नेटाइज भी होता है। डाइल्यूट एसिड बनता है जो कि स्लोली रिएक्ट करता है, इस मेटल को मेल्ट किया जाता है 1495 डिग्री सेल्सियस से और बॉयल किया जाता है 2927 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो ये था आपका कोबाल्ट का जिक्र। अब आ जाते हैं अर्जेंटीना। तो अब देखो, अब करते हैं इंपॉर्टेंट बात। तो अर्जेंटीना में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे ज्यादा लिथियम पाया जाता है, लिथियम। ओके, ये कुछ इस तरह से पाया जाता है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे, बोलिविया है, चिली है, अर्जेंटीना, और ये आपका क्या है, साउथ साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, तो आप चेक कर सकते हैं साउथ अमेरिका के पास क्या क्या है, पैसिफिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन है। तो इसकी कैपिटल पूछा, क्या अर्जेंटीना का जिक्र आया, तो इसकी कैपिटल कहाँ क्या होगी,
ये आपकी कैपिटल यहाँ पर दिखाई गई है, ब्यूनोस एरेस, ठीक है। बाकी मैंने आपको स्क्रीन पर भी दे दिया है, राइट। तो ये आपका क्या था, अर्जेंटीना है। तो इसके बारे में क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, देखो अपने ऑप्शन में अर्जेंटीना, तो हम अर्जेंटीना को डिस्कस करेंगे। बोलिविया, चिली, अगर आप पढ़ना चाहो तो खुद पढ़ सकते हो। तो जियोग्राफी देखते हैं, अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिका कंट्री है, लोकेटेड इन साउथर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट, सबसे नीचे ये आपका है। एट्थ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में अगर लैंड एरिया की बात करें तो। अर्जेंटीना शेयर बॉर्डर विद चिली टू वेस्ट, बोलिविया टू नॉर्थ, पेरागुए टू नॉर्थ वेस्ट, ब्राजील टू ईस्ट। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, उरुग्वे टू नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ अटलांटिक ओशियन टू द ईस्ट। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, तो आप देख सकते हो चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका क्या पाया जाता है, लिथियम पाया जाता है, ठीक है। और आप देखिए, जो अकॉर्डिंग टू जो अभी हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है आपका, ब्राजील है, उरुग्वे है, पेरागुए है, ठीक है, और साथ में अटलांटिक ओशियन इसके ईस्ट की तरफ है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक। नॉर्थ ईस्ट में उरुग्वे है, नॉर्थ में आपका बोलिविया है, और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मानो तो पेरागुए है, और ईस्ट वेस्ट में आपका चिली है, पूरा लम, ठीक है। तो ये था आपका जियोग्राफिक अकॉर्डिंग। यहाँ पर सबसे ज्यादा लैंग्वेज जो बोली जाती है स्पेनिश बोली जाती है। तो अर्जेंटीना इज ए फेडरल पब्लिक विद ए प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट सॉरी प्रेजिडेंट प्रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या किया जाता है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति के द्वारा शासन किया जाता है, मतलब यहाँ पर पीएम नहीं होता। तो इसका मतलब आपका प्रेसिडेंट कौन है यहाँ का अर्जेंटीना का, वो आपने खुद पता लगाना है। मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है, नोन एज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिस्पाइट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक्स चैलेंज। ये क्यों लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स चैलेंज दिखाई जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इकोनॉमिक इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी में अर्जेंटीना हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन साउथ अमेरिका, नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर। बोला जाता है कि इकोनॉमिक्स में क्या है, अर्जेंटीना नॉर्थ साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंट्री है, जो कि रिसोर्सेज हैं आपके एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। कंट्री इज मेजर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सोयाबीन, वीट एंड बीफ। ये तीन तरह के प्रोडक्ट हैं जो कि आपका यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाता है और बनाया जाता है। ब्यूनोस एयर्स स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फाइनेंशियल मार्केट इन रीजन। यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज आपको पता है कि स्टॉक मार्केट जो भी होता है वो हर एक देश में होता है अपने में, ठीक है। तो यहाँ की सबसे बड़ी एजेंसी कौन है, ब्यूनोस एयर्स, जो कि आपकी कैपिटल के अंदर है। अर्जेंटीना हैज एक्सपीरियंस इकोनॉमिक चैलेंज इंक्लूड हाई इन्फ्लेशन एंड सोवरेन डेब्ट क्राइसिस। बोला कि अर्जेंटीना ने एक बार अपनी इकोनॉमिक्स चैलेंज किया है, कैसे किया है, बहुत ज्यादा गिरावट किया है अपने आप में, ठीक है, और कुछ बाहर के देशों की वजह से इकोनॉमिक्स में गिरावट आई है। तो ये था आपका अर्जेंटीना। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, बोट्सवाना। कैपिटल कैपिटल गैबरोन है। तो आप यहाँ पर देखो, ये अफ्रीका का आपका डायग्राम दे रखा है, तो आप बोट्सवाना देख पाओगे। तो यहाँ पर आपका ये बोट्सवाना है, तो ये आपके देश की कंट्री, ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ ये आपके बोट्सवाना देश की कंट्री है। तो ये बोट्सवाना है, और गैबरोन देखोगे तो इसकी कैपिटल यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर साइड में कौन कौन से देश है ये आप देख सकते हो, राइट। तो बोट्सवाना किस लिए प्रसिद्ध है देखते हैं, कोई नहीं, कोई भी पॉइंट नहीं है बोट्सवाना के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट नाम दिया गया था क्योंकि कुछ ना कुछ न्यूज होगी होगी। तो साथ में बोट्सवाना के साथ में आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ,
अगर आप अच्छे से देख पाओगे तो यहाँ पर क्या वो कहूंगा डेल्टा है, ठीक है, जो कि अमेरिका सॉरी अफ्रीका का क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। ओके राइट, तो अफ्रीका से रिलेटेड आया, अफ्रीका से रिलेशन आया है, तो अफ्रीका के देश कितने हैं ये आपको पता लगाना है। ओके तो आगे देखते हैं कोंगो, कोंगो आप देख सकते हो, कोंगो कोंगो क्या है, यह देखो आप अगर दोनों देशों को देखते हो, दोनों देशों को रिलेट करते हो, तो यहाँ पर आपका अंगोला और जाम्बिया दे रखा है, अंगोला और जाम्बिया दे रखा है, इसके ऊपर जो है ना वो कोंगो है, जाम्बिया के ऊपर और जेंटिया के ऊपर कोंगो है, ठीक है, मतलब बीच में एक दो देश का फर्क है। तो ये देखिए आप जाम्बिया यहाँ पर भी है और जाम्बिया और अंगोला, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये जो रेड लाइन बनाया मैंने, ये क्या है आपका, बोट्सवाना है, ठीक है, तो कोंगो यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा है, ये आपका कोंगो देखिए, ठीक है, कैपिटल कौन सी है, किनहासा है, इसमें आपके शायद कैपिटल नहीं दे रखी, लेकिन किनहासा जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या चीजें हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो, कोंगो किनहासा एंड फॉर्मली नोन एज जियारा, ठीक है, जो कि इनका नाम है जियारा, तो वहां बोलते हैं लोग बाग, ये सेंट्रल अफ्रीका है, बाय लैंड एरिया है, सब चारों तरफ देश ही देश है, डीआरसी के इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, ये कोंगो जो है ना वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की, तो फर्स्ट नंबर पर कौन है ये आपने पता लगाना है, तो अच्छा ये दे भी रखा ना आफ्टर अल्जीरिया, अल्जीरिया सबसे बड़ी है, उसके बाद कोंगो आपकी कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया, अगर बात करें तो शेयर बॉर्डर करता है रिपब्लिक ऑफ कोंगो, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होता है, एक रिपब्लिक ऑफ कोंगो होता है, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, अजेंडा युगांडा सॉरी रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया जो कि लेक है, तंजानिया का लेक ही, हकीफ अफ्रीका में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, मतलब क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, जाम्बिया अंगोला, ठीक है, कोस्ट लाइन अलोंग विद साउथ अटलांटिक ओशियन, तो ये इसके बॉर्डर शेयर है, और जितने भी देश आपके पास आए हैं ना उस देश के आपकी कैपिटल याद होनी चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, खत्म बस। ओके तो कोंगो से क्या ऑप्शन, अपना जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन कोंगो है, तो वहां पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, कजाकिस्तान हो गया, तो कजाकिस्तान क्या है, एशिया का देश है, एशिया का देश है, कैपिटल आपका नहीं दे रखा, तो कैपिटल आपकी अस्ताना है, राइट अस्ताना, तो एशिया का देश है, तो देख तो अपने इंडिया के अकॉर्डिंग ये आपका देखो यहाँ पर आपका क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है, राइट ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, तो इसके जस्ट ऊपर देखो तो तजाकिस्तान है, फिर किर्गिस्तान है, फिर कजाकिस्तान है, तो आप देखोगे सारे स्थान लास्ट में जो है प्रोनाउंसिएशन एस टी एन दे रखा है, तो ये सारे क्या है मुस्लिम कंट्रीज है, तो ये आपका कजाकिस्तान है, अस्ताना ये आपकी कैपिटल है, कैस्पियन सी और ब्लैक सी आपको बहुत पूछा जाता है, ये आपका ब्लैक सी है यहाँ पर, तो देखते हैं इसके बारे में क्या आपको हमें पढ़ने को मिलेगा, तो कजाकिस्तान इज लार्ज लैंड लॉक कंट्री इन सेंट्रल एशिया ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप क्या है सबसे बड़ी कंट्री है, तो आप चेक करोगे ये कैसा आया, देखो यहां पर जो लाइन है ना ये यूराल माउंटेन, तो यूराल माउंटेन की वजह से क्या होगा, ये कुछ हिस्सा यूरोप में है, ठीक है, और ये एशिया, ये हिस्सा एशिया में है, ठीक है, तो ये बॉर्डर शेयर करता है रूस के साथ, चाइना के साथ, किर्गिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, ठीक है, और इसके साथ कैस्पियन सी है, अस्ताना कैपिटल है, आलमेटी सर्व लार्जेस्ट सिटी एंड मेन कल्चरल सेंटर है, कजाकिस्तान डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट फ्रॉम सोवियत यूनियन इन 1991, तो 1991 में ये सोवियत यूनियन से मतलब रूस से क्या हुआ था, आजाद हुआ था,
इकोनॉमिकल की बात करें तो सेंट्रल एशिया ड्यू टू इट्स ऑयल गैस एंड मिनरल रिसोर्सेज बोस्टिंग द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखे तो ये क्या है, ऑयल गैस नेचुरल रिसोर्सेज में मिनरल रिसोर्सेज में सबसे ऊपर है, ठीक है, इस रीजन में। ओके, तो ये कजाकिस्तान के बारे में बात थी, तो ये चार अपने ऑप्शन हो गए। तो अकॉर्डिंग टू अगर बात कर ले ऑप्शन की, तो कोंगो आपका राइट हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, कोबाल्ट के अकॉर्डिंग। अगर लिथियम बोल दिया जाए तो यहाँ पर कोबाल्ट की जगह लिथियम बोल दिया जाता तो अर्जेंटीना हम काउंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोंगो, कोबाल्ट के कारण कोंगो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ट्रायंगल की बात हो जाए तो बोलिविया और चिली जो भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ इसमें, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे समझ आए होगी, पेपर अच्छे क्वेश्चन अच्छे समझ आए होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।